हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? और पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छा, हम में से कई लोगों का ये सोचना होता है कि मेरी जो वोकेबलरी है या इंग्लिश भाषा में मुझे जितने शब्दों का नॉलेज है वो काफ़ी कम है, और ये एक चीज़ कई बार हमारे कॉन्फिडेंस को कम कर देती है। सो हर एक बंदा ये चाहता है कि उसके पास बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स का नॉलेज हो। अब अगर आप देखने जाओ तो इंग्लिश भाषा में कई सारे शब्द हैं, और इसके अलावा हर साल इंग्लिश भाषा में काफ़ी सारे नए शब्द ऐड होते हैं। अब प्रैक्टिकली देखने जाए तो पूरी दुनिया में कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जिसको इंग्लिश भाषा के सारे ही शब्द पता हो। सो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट हाउ मेनी वर्ड्स यू एक्चुअली नो, वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज हाउ मेनी वर्ड्स यू एक्चुअली यूज। सो आज हम जो टॉपिक देखने जा रहे हैं वो आपको आपकी वोकेबलरी बढ़ाने के लिए भी एक बड़ा हेल्प होगा। जी हाँ, टॉपिक का नाम है प्रिफिक्सेस एंड सफिक्सेस। हम इसको आसान भाषा में कहेंगे मूछ और पूछ। मूछ सामने मतलब आगे, पूछ पीछे। सिमिलरली इंग्लिश भाषा में वर्ड्स बिल्डिंग के अंदर जो आगे लगता है उसे हम प्रिफिक्स कहते हैं, माने कि मूछ, और जो पीछे लगता है उसे हम कहते हैं पूंछ, माने के सफिक्स। अब इसके बारे में हम थोड़ा और जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिफिक्स की। सो प्रिफिक्स क्या होता है? अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच वी प्लेस बिफोर अ वर्ड। अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच वी प्लेस बिफोर अ वर्ड। किसी भी शब्द से पहले यदि हम किसी लेटर या कुछ लेटर्स को रखते हैं तो वो जो ओरिजिनल शब्द है उसका मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है। तो जिस लेटर या लेटर्स को हमने ओरिजिनल वर्ड से पहले लगाया उसको हम कहेंगे प्रिफिक्स। अब जानते हैं सफिक्स के बारे में। यही डेफिनेशन को पकड़ के चलेंगे तो सफिक्स का मतलब होगा अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स प्लेस्ड आफ्टर अ वर्ड, माने किसी शब्द के पीछे कोई लेटर या कुछ लेटर्स को लगा दिया जाए तो जो चीज हम पीछे लगाते उसे हम कहेंगे सफिक्स। मतलब सिंपल सी भाषा में आगे जो लगता है वो मूछ माने प्रिफिक्स, और पीछे जो लगता है वो पूछ माने सफिक्स। और ये दोनों ही शब्द है प्रिफिक्स और सफिक्स, इसको कॉमनली हम कहते हैं अफिक्स। सो अफिक्स इज अ रूट वर्ड, इट्स एन अम्ब्रेला वर्ड विच कंटेन्स टू वर्जन्स, प्रिफिक्स जो कि आगे लगता है और सफिक्स जो कि पीछे लगता है। सो कलेक्टिवली वी कॉल प्रिफिक्स एंड सफिक्स एज अफिक्सेस। अब एक ये क्वेश्चन होता है हमें कि सर इसको सीखने का क्या जरूरत है? तो सबसे पहले हम प्रिफिक्स और सफिक्स का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अभी आपको स्क्रीन के ऊपर एक वर्ड दिखेगा जो कि है काउंट। काउंट अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को रिफर करते हैं तो काउंट इज अ वर्ब जिसका मतलब होता है गिनना, गिनती करना। अब ये जो काउंट शब्द है इसके पीछे हम एक लेटर्स के ग्रुप को लगा देते हैं जिसे हम कहेंगे सफिक्स, तो ये वर्ड हो जाएगा काउंटेबल। काउंटेबल मतलब काउंट शब्द जो था हमारा ओरिजिनल,
इसके पीछे हमने ग्रुप ऑफ लेटर्स लगा दिए, ग्रुप ऑफ लेटर्स है ए बी एल ई एबल, ये पूरा वर्ड हो गया काउंटेबल। काउंटेबल माने जिसकी गिनती की जा सके वैसा, समथिंग दैट कैन बी काउंटेड, जेनी गणतरी एक बे त्रण चार एवी रीते करी शकाय, सो दैट इज काउंटेबल। अब पीछे वाला जो हमने ग्रुप ऑफ लेटर्स लगाया उसको हम कहेंगे सफिक्स, सो एबल यहां पे हो जाएगा सफिक्स, माने के पूंछ। अभी मूंछ की भी बात कर देते हैं, मान लो मैंने अभी जो शब्द है हमारे पास काउंट से हो गया काउंटेबल, अब काउंटेबल से पहले अगर हमने कुछ ग्रुप ऑफ लेटर्स लगा दिए, जैसे कि हमने यहां पे ग्रुप ऑफ लेटर्स आगे लगाया अन, यू एन अन, तो अब ये पूरा जो वर्ड बन गया वो हो गया अनकाउंटेबल, माने जिसकी गिनती न हो सके वैसा, समथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड, तो ये पूरा नया वर्ड बन गया। दिस इज ऑल्सो नोन एज वर्ड बिल्डिंग इन इंग्लिश। एक वर्ड में था हमारे पास काउंट, जो कि वर्ब था, क्रियापद था, इसके पीछे हमने सफिक्स लगाया एबल, अब यह हो गया काउंटेबल, तो काउंट से एक वर्ड बन गया काउंटेबल। अब ये काउंटेबल के आगे माने काउंट से पहले हमने और एक ग्रुप ऑफ लेटर्स लगा दिया अन, तो अब ये जो पूरा नया वर्ड बन गया वो हो गया अनकाउंटेबल। सो इनिशियली हमें कितने शब्द पता थे, सिर्फ एक, कौन सा वाला, काउंट, फिर हमने उस पर से सीखा काउंटेबल, फिर उस पर से हमने सीखा अनकाउंटेबल, तो एक शब्द पर से हमने तीन शब्द बनाना सीखे, प्रीफिक्स जोड़ के एक नया शब्द, सफिक्स लगा के और एक नया शब्द, रूट वर्ड जो था वो वैसा का वैसा ही है काउंट, उसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किए, बस उसके आगे हमने ग्रुप ऑफ लेटर्स लगा दिया प्रीफिक्स मूछ, और उसके पीछे हमने ग्रुप ऑफ लेटर्स लगा दिए सफिक्स पूछ। अब देखते हैं कि ये प्रीफिक्स और सफिक्स जानना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम एक चीज समझ ले कि प्रीफिक्स एंड सफिक्स आर नॉट वर्ड्स। इंडिपेंडेंटली अगर देखने जाओ तो प्रीफिक्स या सफिक्स शब्द नहीं है। कुछ सफिक्स या प्रीफिक्स को हम शब्द के तौर के भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहां पे सफिक्स है एबल, सो एबल इटसेल्फ इज कंसिडर्ड एज अ वर्ड, एबल माने कैपेबल, सक्षम, समर्थ। पर अगर हम उसको सफिक्स के तौर पे लेते तो वी वॉन्ट कंसिडर इट एज अ वर्ड, इट्स जस्ट अ ग्रुप ऑफ लेटर्स ए बी एल ई। सो अन देख लो, अन, अन इज अ प्रीफिक्स जिसका मतलब होता है ना, पर अन यू डोंट यूज एज एन इंडिविजुअल वर्ड, यू डोंट यूज अन एज अ सेपरेट वर्ड। सो आइडियली प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस आर नॉट वर्ड्स, बट दे डू अ ग्रेट हेल्प टू फॉर्म न्यू वर्ड्स फ्रॉम अ रूट वर्ड। अभी जो हमारा बेस क्वेश्चन था कि भैया प्रीफिक्स और सफिक्स क्यों पढ़ना चाहिए, तो इसके भी रीजन है कि सबसे पहला रीजन है टू एनरिच योर वोकेबलरी। ऑलरेडी आप जितने भी शब्द जानते हैं इंग्लिश में, उन्हीं शब्दों का उपयोग करके हम उनमें से नए शब्द बना सकते हैं। सो मान लो अभी आपको इंग्लिश में 10 शब्द आते हैं, अब ये हर एक शब्द में प्रीफिक्स या सफिक्स या फिर दोनों ही का प्रयोग करके हम कितने सारे शब्द बना सकते हैं। जैसे मान लो एक शब्द से हमने प्रीफिक्स और सफिक्स यूज करके टोटल 2 नए शब्द बनाए, माने 3 शब्द हो गए, तो 10 से कम 30 नए शब्द बना सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सपांड, यू कैन एनरिच योर वोकेबलरी। और जितने सारे शब्द इंग्लिश में आपको पता है उतना ही आपका वोकेबलरी पावर बढ़ेगा, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना ही इंग्लिश आपको आएगा, उतना ही अच्छा इंग्लिश आप बोल पाओगे। दूसरा इसका फायदा यह होगा कि यू विल बी फैमिलियर विथ न्यू वर्ड्स, नए नए शब्द बनेंगे तो आपको नए नए शब्द आएंगे। जैसे मैंने बोला कि आपको 10 शब्द पता है, प्रीफिक्स सफिक्स का यूज करके आपने और नए शब्द फॉर्म किए, तो अभी आपको शब्द आए 30, दैट इज 30, तो पहले 10 शब्द आते थे, अभी आपको 30 शब्द आए, माने आपने 20 नए शब्द सीखे। कहां से सीखे? उन्हीं शब्दों के आधार पर जो आपको ऑलरेडी पता थे, 10 में से 20 और 30 आपने सीखे। तीसरा फायदा है कि कई बार ये होता है ना कि हमको नई नई चीजें इंग्लिश में पढ़ने का मन होता है, न्यूज़पेपर पढ़ने की इच्छा होती है, मैगजीन्स पढ़ने का मन होता है,
नेट के ऊपर काफी सारा मटेरियल होता है, उसमें से हमको कुछ पढ़ने का मन होता है, आर्टिकल्स पढ़ने की इच्छा होती है। सबसे बड़ा और सबसे कठिन काम हमारा जो स्टडी मटेरियल है वो पढ़ने की इच्छा होती है। दिक्कत एक ही होती है ना कि उसमें जो भी सारे शब्द यूज किए गए उनमें से काफी सारे शब्दों का मतलब हमें नहीं पता, तो हमें क्या करना पड़ता है, वी नीड टू कीप अ डिक्शनरी विथ अस एंड एवरी नाउ एंड देन व्हाइल रीडिंग वी नीड टू रिफर टू दैट डिक्शनरी। क्योंकि एक लाइन अगर हम पढ़ते हैं, एक सेंटेंस अगर हम पढ़ते हैं, तो उसमें पांच नए शब्द हमको दिखते हैं जिनका मतलब हमें नहीं पता होता। सो हमें क्या करना पड़ता है, यू नीड टू लुक इन टू दी डिक्शनरी एवरी नाउ एंड देन टू फाइंड द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड। फिर वो मीनिंग को दिमाग में रख के हमको वो पूरा सेंटेंस दो बार, तीन बार, चार बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके कहीं पे पता चलता है कि हाँ ये सेंटेंस का मतलब शायद ऐसा हो, स्टिल वी आर नॉट श्योर। तो प्रिफिक्स और सफिक्स की मदद से अगर आपने अपना वोकेबलरी बढ़ाया, एक शब्द के ऊपर से आपने दो तीन शब्द नए बनाना सीखे उनके अर्थ के साथ, तो बार बार डिक्शनरी में देखने का भी जरूरत हमारा कम हो जाएगा, यू बी मोर इंडिपेंडेंट। और इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा आपकी कम्युनिकेशन करने की क्षमता पर, यूल बी एबल टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट मीन्स योर स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग एबिलिटीज। आइए अभी हम प्रिफिक्स के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। प्रिफिक्स के अलग अलग प्रकार होते हैं, अब हम वो प्रकार, अलग अलग प्रिफिक्स, उनके मीनिंग और वो प्रीफिक्स लगाने के बाद शब्दों का एग्जाम्पल्स देखेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे सपोर्टिव प्रीफिक्स। सपोर्टिव प्रीफिक्स का मतलब होता है सपोर्ट करने वाला, सपोर्ट करने वाला। देखिए हमको लाइफ में सबसे ज्यादा सपोर्ट जो हमें करते वो है हमारे पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स। उसके बाद हमें सपोर्ट मिलता है हमारे सिबलिंग से, हमारे भाई और बहन से, हमारे कजिन से, हमारे रिलेटिव से। लाइफ में सबसे ज्यादा सपोर्ट हमें मिलता है हमारे टीचर से और हमारे दोस्तों से। तो उसी तरह कुछ प्रिफिक्स मतलब मूल शब्द से पहले लगाए जाने वाले ग्रुप ऑफ लेटर्स वो सपोर्ट करते हैं। जैसे यहां पे हमने एक एग्जांपल लिया प्रिफिक्स का जो कि है प्रो। अब ये जो प्रो प्रिफिक्स है वो शब्द से पहले हम लगाते हैं। प्रो का मतलब होता है फेवर करना या फिर सपोर्ट करना। तो जैसे यहां पे हमने दो एग्जांपल लिए प्रो गवर्नमेंट। प्रो गवर्नमेंट माने गवर्नमेंट को फेवर करने वाले या फिर गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले। जैसे अगर इंडिया में फिलहाल बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है तो हम बोल सकते हैं प्रो गवर्नमेंट, इट कैन बी प्रो बीजेपी, इन पास इट कुड बी प्रो कांग्रेस। सो इफ आई से मिस्टर एक्स इज अ प्रो गवर्नमेंट पर्सन, मतलब कि ये जो भाई साहब है जिनका नाम हमने रखा एक्स, वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाले, मतलब मोदी जी को सपोर्ट करने वाले हैं। इन पास्ट व्हेन ब्रिटिश यूज टू रूल ओवर आवर कंट्री देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु वर प्रो ब्रिटिश। प्रो ब्रिटिश माने ब्रिटिशर को सपोर्ट करने वाले, और इनमें से काफी लोगों की वजह से हमें कुछ बेनिफिट्स भी हुआ, काफी कुछ इंप्रूवमेंट भी हुआ कंट्री में, और काफी सारा नुकसान भी हुआ। सो व्हेन वी से प्रो ब्रिटिश माने ब्रिटिश लोगों को सपोर्ट करने वाले लोग। प्रो टेररिस्ट माने वो लोग जो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं। सो प्रो इज एक्चुअली अ प्रिफिक्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स जिनको हम किसी रूट वर्ड से पहले लगाते हैं और फिर जो नया शब्द बनता है उसका जो मीनिंग होता है वो ओरिजिनल शब्द से अलग होता है। जैसे यहां पे हमने लिया था गवर्नमेंट, ओरिजिनल रूट वर्ड था गवर्नमेंट, उसके आगे हमने प्रिफिक्स लगाया प्रो, अब नया शब्द हो गया प्रो गवर्नमेंट माने गवर्नमेंट को फेवर करने वाला, गवर्नमेंट को सपोर्ट करने वाला। तो गवर्नमेंट शब्द आपको पता था, अब आपको एक और शब्द मिला प्रो गवर्नमेंट। और ऐसा नहीं कि भैया प्रो गवर्नमेंट सिर्फ गवर्नमेंट के साथ लगने वाला प्रीफिक्स है, प्रो प्रीफिक्स को आप और भी जगहों पे यूज कर सकते हैं। और जहां पे भी आपने शब्द के आगे प्रो लगा दिया
तो ज्यादातर उसका मतलब हो जाएगा कि वो चीज, वो व्यक्ति, वो कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने वाला। ठीक है, अब हम दूसरी तरह के प्रिफिक्सेस पर जाते हैं, जो होता है जिसे कहते हैं अपोजिंग प्रिफिक्स। अपोज माने विरोध करना, टू प्रोटेस्ट। अब यहां पे ये कैटेगरी में हमारे पास तीन प्रिफिक्स है और तीनों ही प्रिफिक्स का मतलब सेम होता है, अपोजिट या अगेंस्ट माने के विरुद्ध। ये तीन प्रिफिक्स है हमारे पास। सबसे पहला है एंटी। अब यहां पे हम कुछ शब्द लेते हैं, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक माने वो दवाई जिसे हम बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज करते हैं। सो एंटी बैक्टीरियल या फिर एंटीबायोटिक इज अ ड्रग, इट्स अ मेडिसिन विच एक्चुअली किल्स और डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन आवर बॉडी। सो एंटी माने विरुद्ध। एंटी सोशल, हिंदी में या गुजराती में इसे हम कहेंगे असामाजिक। देखिए, हमारे वहां काफी सारे लोग ऐसे हैं जिनको समाज में रहने, मतलब जो समाज में रहने के लायक नहीं है, जो हमेशा ही दूसरे लोगों को परेशान करते हैं किसी न किसी तरीके से। ऐसे लोगों को हम हिंदी में कहते हैं असामाजिक लोग, गुजराती में आपने कहते हैं असामाजिक तत्व। आमा गुंडा आवी जाए, खंडणी उगनावनारा आवी जाए, अपहरण करनारा आवी जाए, चेन स्नेचर्स आवी जाए, दादागिरी करनारा लोको आवी जाए, बीजानी प्रॉपर्टी पड़ावी लेनारा लोको आवी जाए। आ बधा लोकोने कॉमनली आपणे कहे छे असामाजिक तत्वो। इंग्लिश में आपणे एमने कहीशुं एंटी सोशियल एलिमेंट्स। सो सोशियल माने सामाजिक। अब सोशल से पहले हमने ग्रुप ऑफ लेटर्स माने के प्रीफिक्स लगा दिया एंटी, तो ये इसका विरोधार्थी शब्द हो गया। सोशल का अपोजिट वर्ड हो गया, मतलब एंटी सोशल माने असामाजिक। तीसरा शब्द है एंटीडोट। एंटीडोट शब्द का मतलब होता है, कई बार ये होता है ना कि हमें किसी जहरीले जानवर ने काट दिया, जैसे मान लो किसी ने सांप, किसी को सांप ने काट लिया, तो अब उसका जहर हमारे शरीर में एंटर हो जाता है। अब ये जहर से बचाने के लिए डॉक्टर्स जो दवाई बंदे को देते हैं उसे हम कहते हैं एंटीडोट। सो एंटीडोट इज एक्चुअली अ मेडिसिन विच इज यूज टू काउंटर एक्ट पॉइजन और द इफेक्ट ऑफ पॉइजन इन ह्यूमन बॉडी। तो वो दवाई क्या करती है, विष के सामने पॉइजन के अपोजिट काम करती है, उसको दूर करती है, उसकी खराब असरों को मिटा देती है, तो उसे हम कहते हैं एंटीडॉट। आगे हमने एक प्रीफिक्स देखा था प्रो गवर्नमेंट। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि एंटी गवर्नमेंट होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के अपोजिट काम करने वाले। सो दिस इज अगेन अ न्यू वर्ड दैट यू हैव लर्न। दूसरा प्रीफिक्स ये कैटेगरी में जो कि अपोजिट मीनिंग बताता है उसे हम कहेंगे कॉन्ट्रा। कुछ एग्जांपल देखते हैं, कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट दूसरा वर्ड है, कॉन्ट्राडिक्ट तीसरा वर्ड है, कॉन्ट्राविन। अब तीनों ही शब्द ऑलमोस्ट सिनोनिम, मतलब समानार्थी शब्द के बराबर है। तीनों का ही मतलब होता है किसी भी चीज का अपोज करना, किसी भी चीज के विरुद्ध जाना, किसी भी चीज के विरुद्ध बोलना। तो ये हो गया टू अपोज समथिंग। अब तीसरा जो प्रिफिक्स आता है अपोजिंग प्रिफिक्स वाली कैटेगरी में वो है काउंटर। काउंटर का भी यही मतलब होगा, अपोजिट या अगेंस्ट। कुछ शब्द देखते हैं, रूट वर्ड है एक्ट। एक्ट माने कार्य, यहां पे होगा काउंटर एक्ट। एक बहुत ही प्रचलित शब्द है अटैक। अटैक माने कि आक्रमण करना। अब कोई हमारे ऊपर आक्रमण करता है तो हम क्या करेंगे, हम अपने आप को बचाने का, हमारा बचाव करने का प्रयत्न करेंगे, जिसे नॉर्मल इंग्लिश में कहा जाता है डिफेंड, या फिर ऊपर से वर्ड बनता है डिफेंस। तो अटैक के आगे अगर हमने एक प्रीफिक्स लगा दिया काउंटर, तो एक नया शब्द हो जाएगा काउंटर अटैक। सो काउंटर अटैक इज अ वे ऑफ डिफेंडिंग योरसेल्फ, अटैक के सामने अटैक। ठीक है ना, गांधी जी एक जमाने में कहा करते थे कि अगर कोई आपके एक गाल के ऊपर थप्पड़ मारे तो आप उसको दूसरा गाल दीजिएगा। अभी के जमाने में ज्यादातर लोग ये चीज को नहीं मानते। अभी तो लोग बोलते कि भैया अगर तुमने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा तो मैं तुम्हारे दोनों गाल पे थप्पड़ मार दूं। सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ काउंटर अटैक। तीसरा वर्ड है काउंटर बैलेंस। अब ये चीज ज्यादातर आपने
मार्केट में देखी होगी, जहां पे आप सब्जी लेने जाते हो। अभी तो लॉकडाउन के अंतर्गत हम लोग मार्केट नहीं जाते थे, काफी अरसे तक मार्केट भी वेजिटेबल मार्केट भी बंद रहा कर रहा था। अब क्या होता था कि वेजिटेबल हॉकर्स, वेजिटेबल सेलर्स या वेंडर्स वो हमारे घर के पास आते थे, तो हमारे घर से हमारी मम्मी नीचे जाके उन्हीं से सब्जी खरीदा करती थी। अब ज्यादातर ये लोग स्केल यूज करते, गुजराती में आपने जिन्हें त्राजवू कहिए। अब ये होता था ना कि उसके एक पल्ले में वजन रखा जाता था और दूसरे पल्ले में सब्जी रखी जाती थी। अब कई बार ये होता था कि वो बैलेंस ठीक से नहीं होता था, तो सब्जी वाला क्या करता था, वजन के मुताबिक या तो सब्जी कम करता था या फिर दूसरे पल्ले में वजन कम रखता था, कम करता था या फिर ज्यादा रखता था। मतलब ही वॉज ट्राइंग टू काउंटर वे, उसको बैलेंस करने का कोशिश करता था। अगर वजन ज्यादा हो गया तो उसमें से कुछ निकाल के काउंटर वे करता था, अगर वजन कम हुआ तो वजन और रख के उसको बैलेंस करने का कोशिश करता था। सो दिस इज नोन एज काउंटर बैलेंस। अब काउंटर का एक नेगेटिव मीनिंग भी देख लेते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत ही कार्यक्षम, बहुत ही काम करने वाले, गुजराती में शब्द छे कामग्रा, यू नेवर फाइंड देम सिटिंग आइडली डूइंग नथिंग। दीज आर द पीपल हु एंश्योर दैट दे रिमेन प्रोडक्टिव थ्रू आउट द डे। मतलब मान लो ऑफिस में अगर वो 6 घंटा काम करते तो 6 घंटा पूरी लगन से काम करेंगे। तो ऐसे लोगों को इंग्लिश में प्रोडक्टिव या फिर एफिशिएंट कहा जाता है। मान लो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो जिनको काम करना नहीं पसंद है, जो सिर्फ आते हैं, बैठते हैं, टाइम पास करते हैं, चाय कॉफी पी के फिर निकल जाते हैं, काम कम करते या फिर बिल्कुल नहीं करते, मतलब जो लेजी है एक्चुअली। तो ऐसे लोगों के लिए हम एक शब्द यूज कर सकते हैं, हम इनको अनप्रोडक्टिव या हम इनको काउंटर प्रोडक्टिव भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ओरिजिनल जो शब्द थे उसके आगे प्रिफिक्स लगा के हमने कुछ और नए शब्द फॉर्म किए। सो पहले मान लो अगर हमको 5 शब्द आते थे तो अब हमको 10 शब्द आते हैं, अब हमको 15 शब्द आते हैं। सो दिस इज हाउ वी इंक्रीज अवर वोकेबलरी। तीसरी जो कैटेगरी है प्रीफिक्स की, इसे हम कहेंगे नेगेटिव प्रीफिक्स। नेगेटिव माने नहीं, ना, वो वाला मीनिंग करने वाले प्रीफिक्स। देखते हैं उनके बारे में। सबसे पहला जो प्रीफिक्स यहां पे हमें देखना है वो है ए या फिर ओ। इसका मतलब होता है नॉट माने के नहीं, या फिर विदाउट माने के बिना। यहां पे हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल है अमोरल या फिर एमोरल। मोरल शब्द का मतलब होता है सही और गलत को पहचानने वाला। अ पर्सन हु नोज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, हु नोज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन। पर इसके अपोजिट जो बंदा है जिसको पता ही नहीं कि क्या सही क्या गलत, गलत को सही मान के वो कर लेता है और सही को गलत मान के छोड़ देता है, ऐसे बंदे को हम कहेंगे अमोरल। अमोरल माने जिसमें मोरल नहीं है, ऐसा बंदा। दूसरा एक शब्द है एथिस्ट। ओरिजिनल वर्ड है थिस्ट। थिस्ट माने बिलीवर ऑफ गॉड, भगवान में विश्वास रखने वाला। हम में से ज्यादातर लोग भगवान में भरोसा करते हैं, भगवान पर विश्वास रखते हैं, और इन हमारे जैसे लोगों को कहा जाता है आस्तिक, बिलीवर्स ऑफ गॉड, दोज हु बिलीव इन गॉड, दोज हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान में बिल्कुल भरोसा नहीं करते, भगवान में विश्वास नहीं रखते, ऐसे लोगों को नास्तिक कहा जाता है। इंग्लिश में थीस्ट के आगे अगर आपने ए प्रिफिक्स लगा दिया तो नया शब्द हो जाएगा एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, द वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, भगवान में विश्वास नहीं करने वाला बंदा। तो देखिए ओरिजिनल वर्ड था हमारा थिस्ट, आस्तिक, उसके आगे हमने प्रीफिक्स लगा ए, अब नया शब्द बन गया एथिस्ट माने नास्तिक, विरोधी मीनिंग वाला, अपोजिट मीनिंग वाला शब्द हो गया, नॉट मीनिंग वाला शब्द हो गया। वैसे तीसरा शब्द है हमारे पास एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक माने एक समान, जैसे सिमेट्रिकल फेस,
सिमेट्रिकल ब्लॉक, पर टेढ़ा मेढ़ा होता है तो हम उसको कहेंगे असिमेट्रिक, मतलब आगे हमने ए प्रीफिक्स लगा दिया तो मीनिंग उसका एकदम नेगेटिव हो गया। सिमेट्रिक माने सेम, असिमेट्रिक का मतलब होगा नॉट सेम, नॉट आइडेंटिकल। नेक्स्ट वर्ड है अपैथी। अपैथी माने जिसको किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है वैसा बंदा, मतलब वो जो फीलिंग है उसको हम कहेंगे अपैथी। इट इज लाइक लैक ऑफ इंटरेस्ट इन टू समथिंग, ही डज नॉट हैव इंटरेस्ट इन समथिंग, ही डज नॉट केयर, उसको कोई चिंता ही नहीं है, ऐसे बंदे को हम कहेंगे अपैथेटिक पर्सन। सो द रूट वर्ड इज अपैथी, दैट इज विथ द प्रीफिक्स ए। अब दूसरा ऐसा ही एक नेगेटिव सेंस वाला प्रीफिक्स है जो कि है एन। यूजुअली जब हम इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं तो हम आर्टिकल्स में ए, एन और द तीन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो ग्रामेटिकली सेइंग एन इज एक्चुअली एन आर्टिकल, बट हियर वी आर ट्रीटिंग एन एज अ प्रीफिक्स। तो जो शब्द के आगे हम एन लगाते हैं ज्यादातर उसका मतलब होता है नॉट या फिर लैकिंग। जैसे यहां पे हमने एक शब्द लिया एग्जाम्पल के तौर पे एनीमिक। एनीमिक माने वो बंदा जिसके खून में ब्लड सेल्स माने के रक्त कण कम है। सी दिस इज अगेन अ टिपिकल हेल्थ प्रॉब्लम। देर आर लॉट ऑफ पीपल इन आर कंट्री हु आर एनीमिक, हु डोंट हैव नेसेसरी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स इन देयर ब्लड। एज अ रिजल्ट they get tired soon, they feel weakness. So anemic is a person who does not have enough number of red cells in his or her blood. तो n शब्द यहां पे हमको बताता है कि नहीं, क्या नहीं, तो बोला red cells नहीं है या फिर कम है। There is one more word, anonymous. Anonymous माने अज्ञात, अज्ञात माने जो अपना जिसने अपना नाम नहीं बताया, ठीक है ना। आज के जमाने में ज्यादातर लोगों को फेमस होना है, पॉपुलर होना है, एवरीबडी वॉन्ट्स एन ओवरनाइट सक्सेस, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। यू नीड टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू बिकम सक्सेसफुल पर्सन इन वॉट एवर यू डू, बट स्टिल देर आर लॉट ऑफ पीपल हु डोंट वॉन्ट फेम और सक्सेस, दे आर ओनली इंटरेस्टेड, दे आर ओनली कंसर्न अबाउट गिविंग देयर बेस्ट। हाईली प्रोडक्टिव कमिटेड डेडिकेटेड पीपल who are considered as the actual building blocks of a society. So these are the people who don't believe in making themselves famous. काफी सारे लोग जिनको अपना नाम नहीं करना है, उनको बस काम करना है। जैसे कि हमारे former president Mr. Abdul Kalam Azad, he was a great example of a person who devoted his life for the upliftment, for the betterment of the country and the society. He used to remain anonymous in lot of things that he did for the society as well as the country. So, N शब्द यहाँ पे actually इसका meaning negative है, पर इन लोगों के लिए हम positively भी use कर सकते हैं। आप काफी सारी poems पढ़ते होंगे, काफी सारे articles आपने पढ़े होंगे जहाँ पे नीचे लिखा गया होता है anonymous, माने ये किसने लिखा वो हमें पता नहीं, या तो बंदा खुद की आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता है या फिर वाकई में लोगों को पता नहीं कि किसने लिखा। सो ऐसे काफी जगह पे आप एनोनिमस शब्द भी पढ़ते हैं। अब और आगे हम कुछ और एग्जांपल लेंगे, कुछ और प्रीफिक्स है जो कि हम नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं, आइए इन्हें देखते हैं। यहां पे काफी सारी प्रीफिक्स आप देख सकते हो, जैसे इम, इन, इल, अर या इर, डिस, नॉन, अन। ये सारे प्रीफिक्स नहीं वो मतलब में हम शब्द के आगे लगा के इसका नेगेटिव मीनिंग बना सकते हैं। जैसे यहां पे हम सबसे पहले बात करें कि इम प्रीफिक्स की, जिसका मतलब होता है नॉट माने नहीं। अब ओरिजिनल वर्ड है पेशेंट। पेशेंट शब्द के दो मतलब होते हैं, एक तो एक्चुअल पेशेंट जिसे अस्पताल में एडमिट किया गया है, और दूसरा पेशेंट माने धैर्य रखने वाला व्यक्ति, गुजराती में आपने कहे धीरजवान, जे व्यक्ति में धीरज छे ते। अब ये शब्द के आगे आपने प्रीफिक्स लगा दिया इम,
तो इम प्रिफिक्स लगाने के बाद ये पूरे शब्द का नेगेटिव मीनिंग हो जाएगा। इम पेशेंट माने गुजराती में कहिए अधीरु, जिसमें धैर्य नहीं है ऐसा बंदा। देखिए, एक प्रिफिक्स लगाने से पूरे शब्द का मतलब नेगेटिव हो गया। पहले हम कहते थे ही इज अ पेशेंट, माने बहुत ही धीरज वाला, बहुत ही धैर्य वाला बंदा है। आप कहेंगे ही इज इम्पेशेंट, माने उसके अंदर बिल्कुल धीरज नहीं है। पॉसिबल, द रूट वर्ड इज पॉसिबल माने शक्य। इसके आगे आपने इम प्रिफिक्स लगा दिया, शब्द बन गया इम्पॉसिबल, मतलब अशक्य, असंभवित, नहीं हो सकने वाला। देखिए, पूरे शब्द का मीनिंग चेंज हो गया, नेगेटिव मीनिंग हो गया। ओरिजिनल वर्ड है मूवेबल, माने जिसको हम मूव कर पाए, जिसको हम यहां से वहां ले जा सके, ऐसी चीज। आगे आपने प्रीफिक्स लगा था इम, अब शब्द होगा इमूवेबल। इमूवेबल माने भारी चीज, जिसको हम मूव नहीं कर सकते, जिसको हम यहां से वहां नहीं ले जा सकते, या फिर जिसको हम वहां से यहां नहीं ला सकते। तो देखिए, इम प्रीफिक्स लगाने के बाद पूरे शब्द का नेगेटिव मीनिंग हो गया। अब दूसरा ऐसा एक प्रीफिक्स है जो कि है इन। इन का भी मतलब होता है नॉट, माने नहीं। ओरिजिनल शब्द है जस्टिस, जस्टिस माने न्याय। इसके पहले आपने इन प्रिफिक्स को लगा दिया, अब शब्द होगा इनजस्टिस। इनजस्टिस का मतलब होता है नहीं न्याय, माने के अन्याय। एक्टिव, एक्टिव बंदा माने के पूरा दिन दौड़ने भागने वाला, काम करने वाला बंदा, जिसको बैठे रहना पसंद नहीं है। अब एक्टिव शब्द से पहले आपने प्रिफिक्स लगा दिया इन, शब्द बन गया इनएक्टिव, मतलब कि लेजी, वन हु डज नॉट वॉन्ट टू वर्क, वन हु कीप्स सिटेड एट अ प्लेस, जिसको काम करना नहीं पसंद है, जो कि आलसी बंदा है, लेजी काइंड ऑफ थिंग। कंप्लीट माने संपूर्ण, आगे अपने प्रीफिक्स लग दिया, इनकम्प्लीट हो गया अपूर्ण, आधा। मतलब ओरिजिनल शब्द है जिसके आगे हमने प्रीफिक्स लगा दिया तो उसका नेगेटिव मीनिंग हो गया। सिमिलरली, तीसरा ऐसा नॉट मीनिंग वाला प्रीफिक्स है जिसको हम कहते हैं इल, IELL। शब्द है लीगल, माने कानून के मुताबिक। आगे आपने प्रीफिक्स लगा दिया इल, हो गया इलीगल, माने कानून के अगेंस्ट, कानून नहीं फॉलो करने वाला। लिटरेट माने पढ़ा लिखा, जो पढ़ सकता है, कुछ लिख सकता है ऐसा बंदा। उसके पहले आपने प्रीफिक्स लगा दिया इल, होगा इलिटरेट, माने जो पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता ऐसा। गुजराती में शब्द से निरक्षर, हिंदी में भी वैसे ही कहा जाता है। सो इलिटरेट। लीजिबल इज द रूट वर्ड, ओरिजिनल वर्ड, माने जिसको हम पढ़ सके वैसा। काफी सारे लोग होते हैं जिनका हैंड राइटिंग बहुत ही बढ़िया होता है, देव गॉट ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग, जिसको पढ़ना देखना अच्छा लगता है। और कुछ लोग होते हैं, आई एम सॉरी, काफी सारे डॉक्टर्स को इन कैटेगरी में हम रख सकते हैं, कि वो जो लिखते हैं वो शायद वो ही पढ़ पाते हैं, या फिर केमिस्ट, दवाई की दुकान वाले पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके जो हैंड राइटिंग होते हैं ना, वो एकदम से इलिजिबल होते हैं। इलिजिबल माने जिसको हम पढ़ नहीं पाए वैसा। काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इतना अच्छा लिखते हैं कि पेपर चेकर को पता ही नहीं चलता कि भाई साहब ने क्या लिखा है, बहन जी ने क्या लिखा है। सो ये होगा इलिजिबल। मतलब ओरिजिनल वर्ड था लीजिबल, जो कि पॉजिटिव वर्ड था, उसके पहले आपने प्रीफिक्स लगा था इल, अब शब्द होगा नेगेटिव इलिजिबल, माने विच इज नॉट एलिजिबल, विच इज नॉट रीडेबल। इसके बाद आता है प्रीफिक्स इर, इसका भी मतलब हो जाएगा नहीं। मूल शब्द है रिस्पॉन्सिबल, जवाबदार। इसके पहले आपने लगा दिया प्रीफिक्स इर, अब यह शब्द होगा इरिस्पॉन्सिबल, माने कि जो जवाबदार नहीं है वो, माने गैर जिम्मेदार। ओरिजिनल शब्द है रेगुलर, नियमित। इसके पहले प्रीफिक्स लगा था इर, होगा इरेगुलर, अनियमित, नेगेटिव मीनिंग हो गया। रेजिस्टेबल, जिसको रेजिस्ट कर पाए, जिसको सह पाए, वैसी चीज। आगे लगा था इरेजिस्टेबल, सो इट्स लाइक अनस्टॉपेबल, जिसको हम रेजिस्ट नहीं कर सकते, जिसको हम रोक नहीं सकते, पूरा अपोजिट, नेगेटिव मीनिंग हो गया। इरेजिस्टेबल कैन ऑल्सो बी टैम्पटिंग, जैसे चॉकलेट देखा, मुंह में पानी आया, जाके चॉकलेट ले लिया, खा लिया, टेम्पटिंग, इरेजिस्टेबल, रोक नहीं पाए खुद को। नेक्स्ट प्रीफिक्स है डिस। डिस प्रीफिक्स का भी एक मतलब होता है नॉट, माने नहीं। एबल,
शुरुआत में ही हमने देखा था, एबल कैन ऑल्सो बी टेकन एज अ रूट वर्ड, मतलब सक्षम। आगे आपने प्रीफिक्स लगाया डिस, हो गया डिसेबल, माने असक्षम, जो नहीं कर पाए वैसा बंदा। लॉयल माने वफादार, प्रीफिक्स लगा दिया आगे डिस, हो गया डिसलॉयल, माने जो वफादार नहीं है वो। ऑनेस्ट ईमानदार, आगे प्रीफिक्स लगा दिया डिस, शब्द हो गया डिसऑनेस्ट, बेईमान। एडवांटेज फायदा, प्रीफिक्स ऐड हो गया डिस, हो गया डिसएडवांटेज नुकसान। नेक्स्ट प्रीफिक्स है जो कि नेगेटिव मीनिंग देता है, वो है नॉन, जैसे सेंस बुद्धि, नॉन सेंस। स्टॉप रुकने का, रुका हुआ, नॉन स्टॉप माने कंटिन्यूस। वायलेंस हिंसा, नॉन वायलेंस अहिंसा। और नेगेटिव मीनिंग वाला लास्ट प्रीफिक्स है अन, अवेयर मतलब जानने वाला। अनअवेयर माने अनजान। अवॉइडेबल, जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, जिन्हें अपने टाळी शकीए तेवो, प्रीफिक्स लगाया अन, शब्द बन गया नया अनअवॉइडेबल, जिसको हम रोक नहीं सकते, जिन्हें अपने टाळी नहीं सकते एवं। बेरेबल मतलब जिसको हम सह सके वैसा, प्रीफिक्स लग गया अन, शब्द बन गया अनबेरेबल, मतलब जिसको हम बैर नहीं कर पाए, जिन्हें अपने सहन न कर सके तेवो, नेगेटिव मीनिंग आ गयो। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट अ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्रीफिक्स, इसको हम कहेंगे रिवर्सेटिव प्रीफिक्स, माने जो ओरिजिनल शब्द है उसका रिवर्स मीनिंग होता है। इसमें हमारे पास पहला प्रीफिक्स है डी। डी वाला जो प्रीफिक्स है इसका मतलब होगा रिवर्स, माने उल्टा। तो बग, बग इज अ टेक्निकल एरर इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम। अगर इसको रिवर्स किया जाए, माने इसको दूर किया जाए, तो ये हो जाएगा डीबग। फॉर्म माने किसी भी चीज को बनाना, और उसको हम तोड़ मरोड़ के, ट्विस्ट करके उसको तोड़ देते हैं, वो हो जाएगा, उसका शेप चेंज कर देते हैं, तो हो जाएगा डिफॉर्म। तो डी इज अ प्रीफिक्स हियर। कंपोज माने बनाना, इसके आगे हमने प्रीफिक्स डाल दिया डी, हो गया डीकंपोज, मतलब उसको खत्म करना। डीकंपोज इज एक्चुअली अ वर्ड विच इंडिकेट्स अ डीके, टू मेक समथिंग रॉटन, किसी भी चीज को सड़ा देना या सड़ जाना, दैट इज डीकंपोज। नेक्स्ट प्रीफिक्स है हमारे पास डिस। डिस का भी मतलब होता है रिवर्स, उल्टा करना। क्वालिफाई माने किसी भी जॉब के लिए, किसी भी काम के लिए बंदा सक्षम है, उसको सिलेक्ट किया जाता है। डिसक्वालिफाई माने उसको रिजेक्ट किया जाता है। ऑनेस्ट ईमानदार, डिसऑनेस्ट बेईमान। लाइक पसंद करना, डिसलाइक नापसंद करना। अपियर प्रकट होना, आना, डिसअपियर गायब हो जाना। तीसरा प्रीफिक्स है अन। अन का भी मतलब होता है ओरिजिनल वर्ड से रिवर्स, जैसे टाई माने बांधना। अब इसको खोलने की बात, किसी भी चीज को बांधकर अगर हम उसको खोलने की बात करते हैं, तो प्रीफिक्स लगाना पड़ता है अन। अब शब्द होगा अनटाई माने बांधी हुई चीज को खोलना। लॉक माने ताला लगाना। अब अगर ताले खोलने की बात करते हैं, मतलब लॉक से विरुद्ध प्रक्रिया, रिवर्स चीज, तो उसके लिए हम प्रीफिक्स लगाते हैं अन, शब्द होगा अनलॉक माने ताला खोलना। अनलॉक लॉकडाउन का अपोजिट होगा अनलॉक, ठीक है। स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल माने किसी भी चीज को उल्टा पुल्टा कर देना। अब जब आप उसको सीधा करते हो तो वो हो गया अनस्क्रैम्बल, तो स्क्रैम्बल से पहले आपने प्रीफिक्स लगा दिए अन, अब नया शब्द हो गया अनस्क्रैम्बल। मतलब जैसे मैं आपको एक लेटर, एक वर्ड देता हूं, एल ई पी ए एस ई, एल ई पी ए एस ई। अब यहां पे मैंने जो भी लेटर से इसको क्या किया, मैंने इसको स्क्रैम्बल किया है। स्क्रैम्बल किया है माने मैंने उसका सीक्वेंस, उसका क्रम, उसका ऑर्डर चेंज कर दिया है। अब ये जो शब्द है क्या है, इसको अनस्क्रैम्बल करके ओरिजिनल शब्द ढूंढ सकते हो। आई रिपीट द वर्ड एल ई पी ए एस ई।
अब ये शब्दों को सही मायने में आपने अरेंज किया तो शब्द हो जाएगा प्लीज, PLEASE। तो आपने क्या किया, जो उलट पुलट लेटर्स थे इनको आपने प्रॉपर सीक्वेंस में, प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके एक पूरा मीनिंगफुल वर्ड बनाया जो कि है प्लीज। तो आपने जो किया उसे हम कहेंगे अनस्क्रैम्बल। आपने क्या किया, जो शब्दों को हमने उल्टा पुल्टा रख दिया था आपने वो क्रिया किया, विरुद्ध वाली क्रिया की, उसकी रिवर्स क्रिया की। आपने क्या किया, आपको आपने उन लेटर्स को सही तरीके से अरेंज करके प्रॉपर वर्ड बना दिया। सो वो हो गया प्लीज। तो आपने जो किया वो रिवर्स प्रोसेस था, वो हो गया रिवर्सेटिव प्रीफिक्स अनस्क्रैम्बल। अब हम आगे की कैटेगरी की बात करेंगे जो कि है डेरिवेटिव प्रीफिक्सेस। अब जो प्रीफिक्स हमें पढ़ना है वो है डेरिवेटिव प्रीफिक्स। डेरिवेटिव प्रीफिक्स माने टू रिमूव समथिंग, किसी चीज को निकाल बाहर करना। अब इसमें हमारे पास चार प्रीफिक्स है, डी जिसके दो मतलब है, रिमूव एंड डिपार्ट फ्रॉम, डिस एंड अन दोनों ही के मतलब होते हैं, रिमूव माने दूर करना, निकाल बाहर करना। वाज टॉकिंग अबाउट डीबग। सो जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम में कोई मिस्टेक आ जाती है, इसे हम कहा टेक्निकली इसे कहा जाता है बग। अब वो बग को दूर करना, वो एरर को रिमूव करना, वो हो जाएगा डीबग। प्रीफिक्स था डी। डिफ्रोस्ट इज अ वेरी कॉमन वर्ड। जब हमारे घर पे फ्रिज में बर्फ जम जाती है तो मम्मी उसे डिफ्रोस्ट करती है। डी माने रिमूव करना, फ्रोस्ट माने जमी हुई बर्फ। तो जो भी फ्रोजन एक्यूमुलेटेड आइस है उसे रिमूव करना, दैट इज डिफ्रोस्ट। तो डी भी यहां पे प्रीफिक्स हो गया। अब डी का और एक अर्थ होता है डिपार्ट फ्रॉम, माने लीव छोड़ देना। जैसे प्लेन से आप बाहर आ गए या प्लेन से आपको निकाला गया, दैट इज डी प्लेन। ट्रेन से आपको निकाला गया, डी ट्रेन। कोई कैंपिंग कर रहे था उसमें से आपको निकाल दिया गया, तो डी कैंप। नेक्स्ट प्रीफिक्स है हमारा डिस, जो कि एक बहुत ही जाना माना प्रीफिक्स है। इसका मतलब भी होता है रिमूव करना, दूर करना, निकाल बाहर करना। पहला ही शब्द एग्जाम्पल में हम लेंगे डिस आर्म। आर्म शब्द का मतलब होता है वेपन्स। डिस आर्म माने वेपन्स दूर करना। इल्यूजन गुजराती में आपने कहे छे भ्रम। डिस इल्यूजन माने भ्रम, रिमूव करना, दूर करना। कैप माने ढक्कन लगाना। नेक्स्ट प्रीफिक्स वी आर टॉकिंग अबाउट इज अन। अन का भी मतलब होता है दूर करना। तो यहां पे एग्जांपल है कैप। कैप माने ढक्कन लगाना। अगर आपने वो ढक्कन निकाल दिया, ढक्कन खोल दिया, तो हो गया अनकैप। कवर माने किसी चीज को ढकना, कवर करना। अब कवर हटा लिया आपने, कवर निकाल दिया, हो गया अनकवर। अन इज अ प्रीफिक्स। पेट्रोल पंप पे कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा, वहां पे लिखा होगा अनलीडेड पेट्रोल इज सोल्ड हियर। लीड, लीड गुजराती में आपने सीसू कहे, दैट्स एन एलिमेंट विच इज वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी। लीड का प्रपोर्शन पेट्रोल में, डीजल में अगर होता है ज्यादा तो उसका एफिशिएंसी कम होता है। तो ज्यादातर कंपनी अभी पेट्रोल या डीजल में से लीड कम करती हैं या बिल्कुल निकाल देती हैं। सो दैट टाइप ऑफ पेट्रोल इज नोन एज अनलीडेड पेट्रोल। अन माने लीड हैज बीन रिमूव्ड। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रीफिक्सेस आर नोन एज पजोरेटिव प्रीफिक्सेस। पजोरेटिव इज अ वर्ड दैट इंडिकेट्स सम सॉर्ट ऑफ डिसअप्रूवल या फिर कंटेम्प्ट। वी हैव जस्ट वन पजोरेटिव प्रीफिक्स विच इज मिस। मिस का मतलब होता है गलत या गलत तरीके से। बिहेव किसी के साथ आपका बिहेवियर, तमारू वर्तन बीजा लोगों साथ है। अन जो ये वर्तन सारू न हो, खराब वर्तन करू हो, तो वी कॉल इट मिसबिहेव। मिसबिहेवियर इज अ वेरी कॉमन वर्ड। सो इफ यू बिहेव प्रॉपरली, बट इफ यू डोंट बिहेव वेल, इफ यू डोंट बिहेव प्रॉपरली, इफ यू बिहेव रूडली विद अदर्स, दैट इज नोन एज मिसबिहेविंग और मिसबिहेवियर। सो मिस इज अ प्रीफिक्स हियर।
विच टेल्स दैट द बिहेवियर वॉज रॉन्ग, इट वॉज बैड. मैच, मैच करना. मिसमैच, अगर दो चीजें नहीं मिलती है तो दैट इज दे आर मिसमैचिंग. सो मिस इज अ प्रीफिक्स. अच्छी तरह से काम करना, मैनेजिंग थिंग्स. गड़बड़ करना, मिसमैनेजमेंट. नाउ वी विल हैव अ लुक एट प्लेस प्रीफिक्स विच विल टेल यू अबाउट द प्लेस. प्रीफिक्स का प्लेस, इसमें सबसे पहला प्रीफिक्स हमारे पास है वो है एंटी. एंटी का मतलब होता है बिफोर, पहले. अ वेरी कॉमन वर्ड इज ए एम. नॉर्मली टाइम के पीछे ए एम और पी एम हम लगाते हैं, तो ए एम स्टैंड फॉर एंटी मैरिडियम. पीपल ऑल्सो कॉल इट एंटी मैरिडियन. सो मैरिडियन मीन्स 12 o'clock, मिड डे. वेन यू से एंटी मैरिडियन माने उससे पहले, दोपहर के 12 बजे से पहले, माने रात के 12 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक जितना भी वक्त है वो सभी नंबर के पीछे हम एम लगाते हैं. एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट माने जो पहले कभी न हुआ हो. सो दैट इज नोन एज, सॉरी, एंटीसीडेंट का मतलब होता है समथिंग दैट एग्जिस्टेड बिफोर. इसी कैटेगरी में हम आगे जाएंगे. तो नेक्स्ट प्रीफिक्स हमारे पास है सरकम. सरकम का मतलब होता है अराउंड, आसपास. एग्जांपल है सरकमफेरेंस. सरकमफेरेंस इज एक्चुअली द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर शेप. किसी भी सर्कल की बाउंड्री जो होती है ना उसे हम कहते हैं सरकमफेरेंस. नेक्स्ट इज सरकमस्टांसेस. गुजराती में आपने कहे छे संजोगो. सरकमस्टांसेस आर द सिचुएशन अराउंड अस. सो अगेन वी आर टेलिंग द मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्स अराउंड. नेक्स्ट प्रीफिक्स इज एक्स्ट्रा. एक्स्ट्रा के दो मतलब यहां पे हम देखेंगे. एक तो हो जाएगा आउटसाइड माने के बाहर, और बियॉन्ड माने के दूर. एक्स्ट्रा करिकुलर. करिकुलर माने पढ़ाई से संबंधित, रिलेटेड विथ करिकुलम. उसके आगे हमने प्रीफिक्स लगा दिया एक्स्ट्रा. वर्ड होगा एक्स्ट्रा करिकुलर, इसका मतलब होगा बियॉन्ड द करिकुलम, आउटसाइड द करिकुलम, माने पढ़ाई के अलावा किए जाने वाली चीजें. ऑर्डिनरी माने सामान्य, उसके बाहर, उससे कई गुना अच्छा, कई गुना ज्यादा, बियॉन्ड ऑर्डिनरी, वो हो गया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. हिंदी में हम कहेंगे अद्भुत, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट प्रीफिक्स इज फोर. रिमेंबर इट इज एफ ओ आर ई एंड नॉट एफ ओ आर. फोर का मतलब हो जाता है आगे, बिफोर या फिर फ्रंट. फोर फिंगर, आगे वाली उंगली, सबसे पहली उंगली. फोर आर्म, हमारे हाथ का आगे वाला हिस्सा. फोरकास्ट, पहले से बताना, प्रिडिक्शन. गुजराती शब्द से आगाही करवी. नेक्स्ट प्रीफिक्सेस आर फोर. इन, इल, इम एंड इर. इन सभी प्रीफिक्स का एक मतलब होता है इन माने अंदर. जैसे इंडोर्स, इंडोर्स माने घर के अंदर. इन पेशेंट माने जो भी पेशेंट अस्पताल में एडमिटेड है उनके लिए कहा जाता है इन पेशेंट. इनडेप्टेड माने इन डेट. इन डेट माने जिसके ऊपर कर्जा है वो. ये नेगेटिव मीनिंग हुआ. इनडेप्टेड का और एक मतलब होता है कि आभारी, ग्रेटफुल. सो दैट्स अ पॉजिटिव मीनिंग. नेक्स्ट प्रीफिक्स इज इंटर. इंटर का मतलब होता है बिटवीन. जैसे इंटरनेट, इंटरनेट इज नथिंग, इट इज एक्चुअली अ कनेक्शन अमंग सो मेनी कंप्यूटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड. इंटरनेशनल, दैट इज बिटवीन टू और मोर कंट्रीज. इंटरडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी माने दो या दो से ज्यादा पढ़ाई की फील्ड के रिलेटेड. नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रीफिक्स, सॉरी, नेक्स्ट प्रीफिक्स इज इंटर. उसके बाद आएगा इंट्रा. इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड या विदिन, माने अंदरूनी. सो इंट्रानेट. इन मेनी कंपनीज दे सेटअप अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स विद इन दी कंपनी विच इज नोन एज इंट्रानेट. जहां पे कंपनी के हर एक कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ
कनेक्ट किया जाता है ताकि कोई भी एक एम्प्लॉई किसी और एम्प्लॉई के साथ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए। इंट्रावेनस, नाउ दिस इज अ वर्ड विच इज पॉपुलरली नोन एज आईवी। जब भी किसी बंदे को अस्पताल में एडमिट किया जाता है नॉर्मली उसको बोतल चलाया जाता है, तो बोतल के लिए आपकी नर्व्स के अंदर वो लोग एक सुई डालते हैं जिसे कहते हैं, और उसके द्वारा जो कोई भी सलाइन या जो कोई भी दवाई आपको दी जाती है दैट इज नोन एज इंट्रावेनस, माने वेन के अंदर डाली गई हुई। इंट्रो, नेक्स्ट प्रिफिक्स इज इंट्रो। इंट्रो का मतलब होता है इनवर्ड्स, अंदर की साइड पे, जैसे इंट्रोवर्ट। कुछ लोग होते हैं ना जो अपने अपनी खुद की कंपनी प्रेफर करते हैं, उन्हें बहुत सारे लोगों के साथ मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं इंट्रोवर्ट। गुजराती शब्द है अंतर्मुखी लोगों। इंट्रोस्पेक्ट दैट मीन्स लुकिंग विद इन एंड फाइंडिंग आउट वेदर यू आर राइट और रॉन्ग। इंट्रोस्पेक्ट माने सेल्फ इवैल्यूएशन, खुद की जांच करना, खुद को जांचना, पोतानी चकासनी करनी। नेक्स्ट प्रिफिक्स इज पोस्ट। पोस्ट माने बाद में, आफ्टर या फिर बिहाइंड, पीछे। टाइम के साथ, जैसे मैंने बताया हम एम लगाते हैं, कई बार हम पीएम भी लगाते हैं। सो पीएम इसका फुल फॉर्म होगा पोस्ट मैरिडियम या मैरिडियन, मतलब दोपहर के 12 बजे के बाद, माने दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 12 बजे तक। सो दैट इज पोस्ट, यहां पे हो जाएगा हमारा प्रिफिक्स। पोस्ट लंच माने लंच के बाद। व्हेन शुड आई कम टू मीट यू सर, कैन यू प्लीज कम आफ्टर पोस्ट लंच। सो हियर पोस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ द प्रिफिक्स विच इंडिकेट्स आफ्टर, आफ्टर लंच। पोस्टपोन माने किसी चीज को हमें करना था हम उसको बाद में करेंगे, सो पोस्ट इज अगेन अ प्रिफिक्स हियर। प्री, प्री मीन्स बिफोर। प्रीफेस, व्हाट इज अ प्रीफेस, ज्यादातर किसी भी बुक से, बुक के शुरुआत में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है जहां पे वो बुक के कंटेंट्स, बुक का स्कोप और बुक के ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया जाता है, वो पन्ने को हम कहेंगे प्रीफेस, और वो बुक की शुरुआत में होता है, आइडियली इंडेक्स के बाद। सो क्योंकि उसे हम पहले रखते हैं, प्री माने बिफोर। प्रिकॉशन, प्रिकॉशन माने किसी भी कार्य को करने से पहले हम जो चीजें ध्यान में रखते हैं, प्री माने पहले, कॉशन माने ध्यान में रखना, गुजराती शब्द से चेतावनी, अगमचेती। प्रीएम्बल, प्रीएम्बल इज एक्चुअली एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट विच इज देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। समटाइम्स वाइल इंट्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर इवेंट, वॉट एवर वी से, दैट इज एन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्रीएम्बल। बट ये चीज या तो हम पहले लिखते हैं या फिर हम पहले बोलते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे प्रिफिक्स यूज किया है प्री। नेक्स्ट प्रिफिक्स इज आउट। आउट का दो मतलब होता है, एक तो होता है आउटसाइड माने बाहर, दूसरा तो सरपास माने किसी भी चीज से आगे निकलना। सो आउटडोर माने बाहर का, आउटडोर गेम्स, आउटडोर स्पोर्ट्स। आउट पेशेंट, ओपीडी वर्ड से आप लोग परिचित होंगे, ओपीडी का मतलब होता है आउटडोर पेशेंट, माने बाहर से आने वाले पेशेंट, जिनको अस्पताल में एडमिट नहीं किया पर जो डॉक्टर को कंसल्ट करने के लिए बाहर से आते हैं अपॉइंटमेंट लेके, वैसे पेशेंट को कहा जाता है आउट पेशेंट। आउट हाउस, पहले के जमाने में बड़े बड़े घर के बाहर छोटे छोटे घर बनाए जाते थे जहां पे सिक्योरिटी वाले या फिर घर में काम करने वाले नौकरों को रहने के लिए जगह दी जाती थी, ऐसे घरों को कहा जाता आउट हाउस। तो जो हमारा मेन घर था उसके बाहर ये छोटा सा घर बनाया जाता था, सो इट इज कॉल्ड आउट हाउस, माने बाहर। आउट इज अ प्रिफिक्स हियर। नेक्स्ट प्रिफिक्स इज ओवर। ओवर का मतलब होता है बाहर का, आउटर या फिर अबाव, माने ज्यादा। ओवर कोट, कोट के ऊपर हम जो पहनते हैं ओवर कोट। ओवरहेड, सर के ऊपर। ओवरफ्लो, एक लेवल से ऊपर कुछ बह जाता है, कुछ स्पिल हो जाता है, ओवरफ्लो कहेंगे। दूसरा प्रिफिक्स है सब। सब के तीन मीनिंग है, एक तो होता है बिलो माने नीचे, सब वे नीचे से जाने वाला रास्ता, सब कॉन्शियस दिमाग से रिलेटेड, मतलब
बंदे को पता नहीं पर वो चीज चल रही है कहीं पे नीचे कहीं पे अंदर। सब मरीन, मरीन माने पानी, पानी के नीचे। सबका दूसरा मतलब होता है सेकेंडरी माने नॉट सो इंपॉर्टेंट। सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के नीचे के लेवल का बंदा। सब टाइटल, मेन टाइटल वाली चीज, उसके नीचे का टॉपिक, सब टॉपिक या फिर सब टाइटल। सबका एक नेगेटिव मीनिंग भी होता है जिसे हम कहेंगे बिलो द स्टैंडर्ड और बिलो द नॉर्म्स माने नीचे वाली कैटेगरी का या फिर अच्छी क्वालिटी का नहीं। जैसे सब स्टैंडर्ड, दिस गुड्स आर ऑफ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, मतलब वो खराब क्वालिटी की चीज है। एक और प्रिफिक्स है सुपर। सुपर के भी तीन मतलब होते हैं। एक मतलब होता है अबाव माने ऊपर या फिर ज्यादा। सुपर स्ट्रक्चर, ग्राउंड लेवल के ऊपर जो भी कंस्ट्रक्शन होता है उसे हम कहते हैं सुपर स्ट्रक्चर। सो ग्राउंड फ्लोर और मे बी फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर, दैट इज नोन एज सुपर स्ट्रक्चर। सुपर इम्पोज, सुपर इम्पोज माने किसी भी चीज को ऊपर से रखा जाता है उसे कहते हैं सुपर इम्पोज। जैसे कि हाथ है ये मेरा, इसके आगे या इसके ऊपर मैंने दूसरा हाथ रख दिया तो दिस इज कॉल्ड सुपर इम्पोज। सुपर का दूसरा मतलब होता है अबाउ द नॉर्म माने एक लेवल से भी ऊपर। जैसे सुपर स्टार, स्टार तो बहुत होते हैं पर सुपर स्टार एक या दो ही होते हैं। सुपर पावर। सुपर का तीसरा मतलब होता है एक्सेसिव माने ज्यादा। सुपर कॉन्फिडेंट, अब यहां पे हम इसको पॉजिटिव सेंस में ले रहे हैं। सुपर कॉन्फिडेंट मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंट। सुपर नेचुरल इट्स लाइक हेवनली थिंग्स, दैवी गुजराती शब्द से। नेक्स्ट प्रिफिक्स है सर। सर का मतलब होता है अबाव माने ज्यादा। सर चार्ज, ऑलरेडी यू मस्ट हैव स्टडीड इन कॉमर्स, सरचार्ज जो लगता है ना टेक्स में। ट्रांस, ट्रांस का मतलब होता है अक्रॉस, सीमा पार। ट्रांसनेशनल, एक से ज्यादा देशों से जुड़ा हुआ। ट्रांस एटलांटिक मतलब एटलांटिक ओशन के पार। अल्ट्रा, नेक्स्ट प्रीफिक्स, अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड या फिर एक्स्ट्रा। अल्ट्रा थिन माने बहुत ही पतला, बहुत ज्यादा पतरा। जैसे काफी सारी वॉचेस आती है, टाइटन कंपनी इसके लिए फेमस है, बहुत ही पतली वॉचेस बनाती है, रिस्ट वॉच एकदम पतली होती है। कुछ कंपनी लैपटॉप्स या फिर टैबलेट्स बनाती है, कुछ कंपनी स्मार्टफोन्स बनाती है, बहुत ही थिन होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं, इसे हम कहते हैं अल्ट्रा थिन। अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन। अल्ट्रा मॉडर्न मतलब बहुत ही ज्यादा मॉडर्न। दूसरा शब्द है अंडर, वो इससे अलग, अल्ट्रा का अपोजिट जैसा है, जिसका मतलब होता है नीचे या फिर काफी कम, टू लिटल। अंडरग्राउंड, ग्राउंड से नीचे। अंडर पे माने जितना होना चाहिए पेमेंट उससे कम। अंडर कुक्ड माने ठीक तरीके से नहीं पका हुआ, मतलब कम पका हुआ, जैसे कच्चा खाना होता है कई बार, अनडन या अंडर कुक्ड। अब नेक्स्ट कैटेगरी जो प्रिफिक्स के, इसे हम कहेंगे साइज प्रिफिक्स। साइज प्रिफिक्स, इसमें टोटल तीन प्रिफिक्स है, मेगा, मिडी और मिनी। पर प्रैक्टिकली देखने जाओ तो मेगा और मिनी ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेगा का मतलब होता है वेरी लार्ज, बहुत बड़ा। जैसे समटाइम्स वी से ही इज अ स्टार, वी माइट बी टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु इज एन एक्टर और अ स्पोर्ट्स पर्सन। एंड सिंस ही और शी परफॉर्म्स वेल, वी कंसिडर हीम और हर एज अ स्टार। पर स्टार्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्मर जो होता है उसे हम कहते हैं मेगा स्टार। सो अमिताभ बच्चन इज अ मेगा स्टार। कई बार पुलिस अनाउंसमेंट करने के लिए एक माइक्रोफोन यूज करती है जो कि बड़ा होता है, जिसमें आवाज बहुत ही बड़ी होती है, उसे कहा जाता है मेगाफोन, अनाउंसमेंट करने के लिए यूज होता है। मिनी का मतलब होता है स्मॉल माने छोटा। छोटी बस यू से मिनी बस, छोटी टैक्सी यू कॉल इट मिनी टैक्सी या फिर मिनी कैब। अब हम आगे बढ़ेंगे, टाइम प्रिफिक्सेस के बारे में बात करेंगे। तो ये जो प्रिफिक्सेस है जो अभी हम पढ़ेंगे वो टाइम के बारे में बताता है। सबसे पहला है एनटी, जिसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं। एनटी का मतलब होता है बिफोर। यहां पे पहला एग्जांपल है एंटी नेटल। नेटल शब्द का मतलब होता है बर्थ। सो व्हेन यू से एंटी नेटल इट मींस बिफोर बर्थ,
माने आइडियली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंटी मैरिडियन, नाउ वी आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस वर्ड। नेक्स्ट प्रिफिक्स इज एक्स, एक्स का मतलब होता है पहले का, फॉर्मर। सो यू मे से एक्स प्रेसिडेंट, मिस्टर अब्दुल कलाम आजाद वर आज एक्स प्रेसिडेंट। एक्स बॉस आपके पहले की कंपनी का बॉस या आपका पहला बॉस। एक्स स्टूडेंट पुराना स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रिफिक्स इज फोर, जिसको ऑलरेडी हमने देख लिया है पहले, वापस एक बार। फोर का मतलब होता है आगे या फिर बिफोर। सो फोर सी फोरकास्ट, दोनों ही शब्द का मतलब होता है प्रिडिक्ट करना, मतलब किसी चीज को होने से पहले उसके बारे में सोचना, उसको देखना। फोर फादर माने हमारे पिताजी के पिताजी, हमारे पूर्वज। नेक्स्ट वर्ड इज नियो, नियो का मतलब होता है लेटेस्ट, रीसेंट या फिर नया, न्यू। नियोनेटल, नियोनेटल माने कनेक्टेड विथ, रिलेटेड विथ न्यू बॉर्न बेबी, नए बच्चे के साथ जुड़ा हुआ। नियोप्लासिया, नियोप्लासिया इज एक्चुअली फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यूज इन अ ह्यूमन सेल विच कैन बी अ ट्यूमर, सो इट इज समथिंग न्यू। पोस्ट, पोस्ट का मतलब होता है बाद में, दैट इज आफ्टर। पोस्टमार्टम, मॉर्टम इज अ लेटिन वर्ड विच मीन्स डेथ, सो पोस्टमार्टम मतलब मरने के बाद किया जाने वाला। पोस्ट मेरिडियम, वी नो दिस वर्ड नाउ। पोस्ट डेटेड, यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड पोस्ट डेटेड चेक। जब बंदे के पास बैंक में बैलेंस नहीं होता और उसको पेमेंट करना होता है, तो कई बार वो पोस्ट डेटेड चेक दे देता है, जैसे भैया मेरा एक पेमेंट आने वाला है एक हफ्ते में, तो मैं आपको 10 दिन के बाद की तारीख लग के चेक दे देता हूँ। दैट इज अ पोस्ट डेटेड, माने पीछे की तारीख लगाया हुआ चेक। नेक्स्ट इज प्री, प्री माने अगेन बिफोर। प्री स्कूल, स्कूल में जाने से पहले, लाइक यू सी देयर आर लॉट ऑफ प्री स्कूल्स ट्रेवलिंग इन द कंट्री। प्रीपेड, दोज हु आर यूजिंग मोबाइल फोन्स, दे मस्ट बी अवेयर विद द टर्म प्रीपेड, पोस्टपेड। प्री एग्जिस्टिंग माने पहले से होने वाली चीज, जो पहले से थी। री अगेन, वापस। रिन्यू, रीप्ले, रिपीट वापस बोलना, रीप्रिंट वापस प्रिंट करना। अब हम देखेंगे नंबर प्रीफिक्स, जो प्रॉबेबली सबसे बड़ी कैटेगरी है प्रीफिक्स की। इसमें काफी सारे प्रीफिक्स हैं, इनको याद रखना कंपैरेटिवली इजी है क्योंकि काफी सारी चीज हम मैथ्स में पढ़े होते हैं। सबसे पहला प्रीफिक्स है मोनो, मोनो का मतलब होता है सिंगल, एक। एग्जांपल्स है मोनोरेल, मोनोरेल माने वो ट्रेन जो सिंगल ट्रैक के ऊपर चलती है, जैसे मुंबई में देयर इज अ मोनोरेल। मोनोपोली, मोनोपोली माने किसी भी एक बंदे या किसी भी एक कंपनी का कंट्रोल पूरे मार्केट के ऊपर, दैट इज नोन एज मोनोपोली, दैट्स एन इकोनॉमिक्स रिलेटेड टर्म। मोनोटोनस माने एक ही टोन में, एक ही तरीके से। यू सी लॉट ऑफ एक्टर्स, वेन एवर दे स्पीक दे आर मोनोटोनस, यू डोंट फाइंड एनी डिफरेंस इन द टोन ऑफ देयर वॉइस। सो सिंगल, वन टोन। नेक्स्ट इज यूनि, यूनि का भी मतलब होता है वन, दैट इज एक। यूनि डिरेक्शनल, एक ही दिशा में। यूनिलेटरल, एक ही साइड पर। यूनिटी, एक साथ। नेक्स्ट प्रीफिक्स इज बाय, बाय का मतलब होता है दो, ट्वाइस या फिर डबल। बाइसिकल, दो पहिए वाली साइकिल। बायलेटरल, दोनों ही साइड, जैसे यू माइट हियर अ डॉक्टर टेलिंग टू पेशेंट्स दैट यू हैव अ बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस। बायलेटरल माने आपकी दोनों ही साइड पे, मतलब दोनों ही किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस है। हाइड्रोनेफ्रिस मतलब आपका यूरिन बाहर नहीं निकल रहा, उसकी जगह किडनी के अंदर ही पड़ा रहता है, दैट इज कॉल्ड बायलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस। बायलिंग्वल, बायलिंग्वल माने दोनों ही भाषा में। नेक्स्ट इज डाई, डाई मीन्स अगेन टू या दो, ट्वाइस। डायलॉग, डायलॉग माने जब दो लोग बातचीत करते हैं, दो, सो डायलॉग। डायलेमा, डायलेमा मीन्स अ सिचुएशन वेर अ पर्सन हैज टू डिसाइड बिटवीन टू ऑप्शंस एंड बोथ द ऑप्शंस सिम टू बी राइट। गुजराती माना माटे शब्द छे द्विधा अथवा तो असमंजस। अर्जुन वॉज इन डायलेमा वेन ही हैड टू फाइट अ बैटल विथ हिज ओन पीपल, विथ हिज ओन कजन्स कौरवास। सो ही वॉज इन डायलेमा, शुड आई फाइट और नॉट।
नेक्स्ट प्रिफिक्स इज ड्यूओ और ड्यू, इसका भी मतलब होता है दो, डुप्लेक्स, डुप्लीकेट, ड्यूएट। जैसे मान लो किसी गाने को अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने साथ में गाया तो इसे हम कहेंगे ड्यूएट। पहले मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर या किशोर कुमार, आशा भोसले, ऐसा ड्यूएट फेमस था। ट्राई, ट्राई का मतलब होता है तीन, थ्री, ट्राइंगल, त्रिकोण, ट्राइपॉड, जिसके ऊपर हम कैमरा रख के शूटिंग कर सकते हैं, फोटो निकाल सकते हैं। ट्राइसिकल, तीन पहिए वाली साइकिल। क्वाड्री या क्वाड्र, दैट इज इंडिकेटिंग द मीनिंग फोर। क्वाड्रिलेटरल माने चार साइड वाला। क्वाड्रेंट, स्कूल में जब मैथ्स पढ़ा होगा तो आपने एक मैट्रिक्स पढ़ा होगा दो बाय दो का, उसमें हर एक सेल को हम कहते थे क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट प्रिफिक्स इज पेंटा, पेंटा का मतलब होता है पांच, पेंटागोन। सिमिलरली हेक्सा इंडिकेट सिक्स, हेक्सागोन। सेवन इज इंडिकेटेड बाय द प्रिफिक्स हेप्टा, सो इट इज हेप्टागोन। आठ के लिए वी हैव अ प्रिफिक्स ऑक्टो, दैट इज ऑक्टेगोन। ऑक्टोपस इज अ मरीन क्रीचर जिसके आठ पैर होते हैं। दस के लिए हमारे पास वर्ड है डिके या डेका, देर इज अ वर्ड कॉल्ड डिकेड, माने दस साल का एक फासला। डिकेथलॉन, डिकेथलॉन माने इट्स अ टू डे इवेंट जहां पे 10 इवेंट्स होती है। हाफ के लिए वी हैव थ्री पॉसिबल प्रिफिक्सेस, डेमी, हेमी एंड सेमी। डेमी गॉड माने हाफ गॉड, कोई बहुत ही अनयूजुअल एक्स्ट्राऑर्डिनरी बंदा है जो बहुत ही अच्छा काम करता है तो हम उसको खुदा के जैसा मानते हैं, भगवान के जितना रिस्पॉन्स देते, रिस्पेक्ट देते, उसे हम डेमीगॉड कहते हैं। हेमिस्फीयर माने आधा सर्कल। सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बीच में होती है, माने ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, इट इज समवेयर बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन। उसके बाद हमारा प्रिफिक्स है हेक्टो, हेक्टो का मतलब होता है 100, सो एग्जाम्पल्स आर हेक्टोलीटर, हेक्टोमीटर। किलो इज अ वेरी फेमस प्रिफिक्स जिसका मतलब होता है हजार, थाउजेंड, किलोग्राम, किलोमीटर। मिली ऑल्सो मीन्स थाउजेंड, दैट इज एक्चुअली अ थाउजेंड पार्ट, सो मिली सेकेंड, सेकेंड का हजारवा भाग। मेगा थाउजेंड, मेगाबाइट, मेगावाट। नेक्स्ट प्रिफिक्स इज पोली, पोली का मतलब होता है बहुत सारे, एक से ज्यादा, मैनी। पॉलीगोन, पॉलीटेक्निक, जहां पे एक से ज्यादा टेक्निकल फील्ड को सिखाया जाता है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल एंड सो ऑन। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ प्रिफिक्सेस आर नोन एज स्टेटस प्रिफिक्स। स्टेटस प्रिफिक्स में हमारे पास तीन प्रिफिक्स है, को, प्रो एंड वाइस। को का मतलब होता है जॉइंट, साथ में। को ऑथर माने एक से ज्यादा ऑथर्स ने, एक से ज्यादा राइटर्स ने किसी किताब को लिखा, सो दे हैव को ऑथर्ड द बुक। को फाउंडर, किसी भी कंपनी को शुरू करने वाले लोग एक से ज्यादा है, सो दे ऑल आर नोन एज को फाउंडर्स। एंड अ वेरी कॉमन वर्ड इज को एजुकेशन, को एजुकेशन माने एन एजुकेशन सिस्टम वेयर बॉयज एंड गर्ल्स बोथ स्टडी टूगेदर। नेक्स्ट प्रिफिक्स इज प्रो, प्रो का मतलब होता है एक लेवल नीचे, दैट इज डेप्यूटी, सो प्रो वाइस चेयरमैन, प्रो वाइस चेयरमैन, प्रो वाइस चांसलर। सिमिलरली देर इज वन मोर प्रिफिक्स कॉल्ड वाइस, अगेन इट हैज द सेम मीनिंग ऑफ डेप्यूटी, सो वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर। एंड द फाइनल कैटेगरी ऑफ प्रिफिक्सेस आर नोन एज क्लास चेंजिंग प्रिफिक्स। यहां पे पहला प्रिफिक्स है बी, बी का मतलब होता है एग्जिस्ट, होना। इसमें कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे सबसे पहला है बिसिज, बिसिज का मतलब होता है सराउंड, आस पास रहना। सेकेंड इज बीविच, बीविच का मतलब होता है एंचेंट एंड डिलाइट, या फिर इसका एक और नेगेटिव मीनिंग भी होता है कास्ट अ स्पेल ओवर समवन। गुजराती में कहे तो मंत्रमुग्ध करी देव, आई नो पॉजिटिव मीनिंग थो, अने दूसरा हिंदी नेगेटिव वर्ड है जादू टोना करना किसी के ऊपर, दैट इज नोन एज बीविच समवन। एंड थर्ड वर्ड इज बिलिटल, बिलिटल माने किसी बंदे को हमसे इन्फीरियर मान के उस पर ध्यान नहीं देना, उसको अवॉइड करना, दैट इज कॉल्ड बिलिटल।
एंड द लास्ट प्रिफिक्स इज एन और एम विच इंडिकेट्स अ वर्ब बनाना मेक एन करेज किसी का करेज बढ़ाना किसी को प्रोत्साहन देना एन रोल किसी को एडमिशन देना या किसी चीज में जुड़ना किसी काम में जुड़ना एनश्योर किसी को श्योरिटी देना खातरी आप भी एम्पावर टू पावर समवन टू गिव पावर टू समबडी किसी को पावर देना किसी को अथॉरिटी देना एंड फाइनली अदर प्रिफिक्सेस इसमें हम पढ़ेंगे चार प्रिफिक्सेस सबसे पहला है इको इको इज अ प्रिफिक्स दैट टेल्स अबाउट इकोलॉजी माने एनवायरमेंट सो वेन एवर यू कम अक्रॉस अ वर्ड विच हैज गॉट इको एज अ प्रिफिक्स इट मीन्स इट मस्ट बी रिलेटेड विथ एनवायरमेंट लाइक इको फ्रेंडली ecosystem and ecotourism now what is ecotourism ecotourism is a socially responsible travel where a person visits natural areas rural areas considering the conservation of environment and well-being of local people so again the consideration of an environment is there it is known as ecotourism most of the governments nowadays they are promoting ecotourism Next is Euro. Euro prefix means European. So anything related with European countries are known as, are carrying this prefix called Euro. Eurozone, Eurobonds, Eurocrat. Next is Para. Para ka matlab hota hai ancillary, secondary. Like you know a word, paramilitary. Paramilitary maane आर्मी को छोड़ के और भी जो फोर्सेस है जैसे बीएसएफ है वी हैव बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीआरपीएफ है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या फिर एनएसजी है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स दे ऑल आर पैरामिलिट्री फोर्सेस पैरामेडिक पैरामेडिक आर दोज पीपल हु आर नॉट डॉक्टर्स बट हु आर नेसेसरी वाइल ट्रीटिंग अ पेशेंट दे कैन बी नर्सेस दे कैन बी सपोर्ट स्टाफ दे कैन बी drivers of the ambulance they can be pathologists they can be radio they can be lab technicians they can be pharmacists and finally self motivating self association self satisfaction matlab khud se juda hua aaiye abhi padhte hain suffixes ke bare mein sabse pehla jo suffix hai use hum kahenge noun suffix सफिक्स इज अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स जिसको हम रूट वर्ड ओरिजिनल वर्ड के पीछे लगाते हैं वो पूछ वाली बात सो सबसे पहला सफिक्स हम पढ़ेंगे नाउन सफिक्स उसके अंदर है एसीटी ए सी आई टी वाई एसीटी का मतलब होता है इट इज अ क्वालिटी और स्टेट ऑफ बीइंग कैपेसिटी वेलोसिटी फेरोसिटी फेरोसिटी मीन्स क्रूअल्टी Then next suffix is ent, A-N-T. Whenever you notice this suffix, it may tell you about a person who does something like or who is some type of person, a particular type of person like arrogant, arrogant माने अभिमानी, applicant, application देने वाला, pleasant, elegant, elegant means graceful. All, all suffix that is AL indicates some sort of action. Referral, refer करना, betrayal, दगा देना, गद्दारी करना, denial, ना बोलना, dismissal, निकाल बाहर करना, dismiss करना. Suffix age indicates an action or a process. Like baggage, pack करना, courage, हिम्मत जुटाना, damage, नुकसान करना, garbage, कचरा करना. ION या फिर ATION is a next suffix which indicates an action or its result. Collaboration मतलब साथ मिलकर काम करना. Exploration exploration means a travel to a new place in order to learn something about the place, the people and their culture. So explore करना नई नई चीजों को ढूंढना उनके बारे में जानना. Objection मना करना विरोध करना. IST, East,
ईस्ट टेल्स यू अबाउट अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर प्रोफेशन लाइक आर्टिस्ट, आर्ट रिलेटेड, डेंटिस्ट, नॉवेलिस्ट, नॉवेल लिखने वाला. आईटीवाई सफिक्स टेल्स यू अबाउट पर्टिकुलर क्वालिटी. Responsibility, that means a person is very responsible. He has got a quality that he is a responsible person. Meant indicates result of an action. Agreement, माने बंदे agree हो गए. Arrangement, arrangement हो गया. Next suffix is CLE या फिर CULE, which indicates a small size. Article, छोटा. Particle, molecule. Ness is a suffix that tells about a state or a condition. Happiness, a state of being happy. Kindness, a state of being kind. Carelessness, being careless. Ship is again a suffix that tells you about a condition or a status. Citizenship, workmanship, which means skill. Membership, कहीं का मेंबर होना. ट्यूड, TUDE, दैट इज अ सफिक्स विच टेल्स अबाउट अ कंडीशन और अ स्टेट लाइक लॉन्जिट्यूड या लॉन्गिट्यूड. मैग्नीट्यूड, एटीट्यूड. एटीट्यूड मीन्स हाउ यू लुक एट अ पर्सन, अ सिचुएशन और एन ऑब्जेक्ट एंड व्हाट डू यू फील अबाउट दैट. नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सफिक्सेस आर नोन एज वर्ब सफिक्सेस. कई बार हम देखते हैं कि किसी भी शब्द के पीछे एफ वाई या आई एफ वाई लगा हुआ होता है, जिसका मतलब होता है बिकम, बनना. जैसे प्यूरिफाई, प्योर बनाना. प्योर बनाना माने उसको शुद्ध करना. डाइवर्सिफाई माने किसी और दिशा में जाना, एक चीज को छोड़ के किसी और चीज को शुरू करना. सिंप्लीफाई, किसी भी चीज को और आसान बनाना. क्लासीफाई, किसी भी चीज को अलग अलग हिस्सों में बांटना. सिमिलरली सफिक्स आई एस ई या फिर आई जेड ई इंडिकेट्स क्वालिटी, स्टेट या फिर किसी भी फंक्शन माने के कार्य. मॉडर्नाइज, मॉडर्न बनाना. एडवर्टीज या एडवर्टाइज, एडवर्टाइज देना, इश्तेहार देना. एडवाइज, एडवाइज, हियर वी हैव यूज द वर्ड एस, द लेटर एस. इट इंडिकेट्स इट्स एन एक्शन, सलाह देना. सुपरवाइज. नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सफिक्सेस आर नोन एज एडजेक्टिव सफिक्सेस. एबल या फिर ईबल, जिसका मतलब होता है कैपेबल ऑफ समथिंग. ऑडिबल मतलब सुनाई देने वाला. काउंटेबल, जिसको हम गिन सके वैसा. रीडेबल, पढ़ाई देने वाला. रिलायबल, भरोसा जिसके ऊपर कर पाए वैसा. ए एल या फिर आई ए एल, जिसका मतलब होता है सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ या फिर काइंड ऑफ. म्यूजिकल, म्यूजिक से जुड़ा हुआ. मैनेजरियल, मैनेजमेंट या मैनेजर से जुड़ा हुआ. नेचुरल, नेचर से जुड़ा हुआ, स्वाभाविक, कुदरती. द सफिक्स ईडी इंडिकेट्स हैविंग, होना. टैलेंटेड माने टैलेंट का होना. कल्चर्ड माने कल्चर होना. एफयूएल फुल इंडिकेट्स द क्वालिटी ऑफ समथिंग. केयरफुल माने केयर करना, सावधान रहना. पावरफुल, पावर वाला होना. चीयरफुल, खुश होना. फॉरगेटफुल, भूल जाने वाला. उसके बाद सफिक्सेस हैं, जहां पे सबसे पहला है इक. इक जब भी लगता है उसका मतलब होता है ऑफ का. हीरोइक माने हीरो वाला, हीरो वाली बात. सिंपथेटिक माने सिंपथी के साथ. सिंपथी माने किसी भी बंदे के प्रति सहानुभूति दिखाना. मैग्नेटिक, हैविंग मैग्नेट, मैग्नेट वाला. स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजी वाला. लेस सफिक्स का मतलब होता है विदाउट, माने के न होना. सेल्फलेस, खुद के बारे में नहीं सोचना, दूसरों के बारे में सोचना. केयरलेस, बिल्कुल केयर नहीं करना, जो कि गलत बात है. ओआईडी सफिक्स का मतलब होता है लाइक, इसके जैसा. ह्यूमनॉइड, ह्यूमंस के जैसा. स्टेरॉइड, एस्टेरॉइड. सम, सम इंडिकेट्स अ टेंडेंसी ऑफ डूइंग समथिंग. ऑसम, क्वारलसम, झगड़ा करने वाला. Why again indicates having quality of something. Happy, खुश. Funny, messy. Sleepy, नींद आना. Choosy, बहुत ही सोच के काम करने वाला. And finally there are adverb suffixes which indicates adverbs like ly, ly, wisely,
माने सोच समझ कर, क्यूरियसली माने ईगरली, सरप्राइजिंगली एकदम आश्चर्य के साथ। एंड द लास्ट सफिक्स इज वाइज, वाइज का मतलब होता है तरीका, मैनर या फिर दिशा, दैट इज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, क्रॉसवाइज क्रॉस में, लेंथ वाइज लेंथ के मुताबिक। सो दिस इज वेयर वी वुड एंड दिस सेशन फ्रेंड्स। होप यू हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट प्रीफिक्सेस एंड आई एम श्योर दैट नाउ नेक्स्ट टाइम यू विल स्टडी द वर्ड्स एंड यू विल स्टडी द प्रीफिक्स एंड यू विल स्टार्ट फॉर्मिंग द न्यू वर्ड्स। सून विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन अबाउट सफिक्सेस एंड सम अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ग्रामर। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।